बोथ लेग्स एंड हैंड्स हैंड्स प्लस लेग्स इज लिम्स हम अपने हाथ और पैरों को एक साथ साइंस के अंदर लिम्स कहते हैं अगर हमें साथ में कहना है तो हम लिम्स कहेंगे और सपरेटली कहना है तो हम कह सकते हैं हैंड्स और लेग्स बट अगर हमें साथ में वो यूज़ करना है हैंड्स और लेग्स को एक ऐसा टर्म बताना है जो हम साथ में यूज़ कर सकें सो वी विल यूज द टर्म लिम्स ओके सो मूवमेंट ऑफ लिम्स मतलब लिम्स में हरकत लेके आना है लिम्स में मूवमेंट करना इन अ अंक्रोनाइज मैनर नाउ व्हाट इज सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज मीन्स एट अ सेम पेस एट अ सेम स्पीड साथ में साथ में हम मूवमेंट कर रहे हैं लिम्स का विच लीड्स टू वाट Which leads an organism to change its position with respect to time. और जब हम साथ में movement कर रहे हैं limbs का तो हमारी position के अंदर change आ रहा है What is position? Position मतलब कोई भी जगह उसके अंदर हमारा change आ रहा है अगर हम एक जगह पर खड़े हैं हम point वन पर खड़े हैं और हमें point टू पर जाना है सो so, हमारी पोजीशन चेंज होगी अगर हम पॉइंट वन से पॉइंट टू पर मूव करेंगे तो हमारी पोजीशन चेंज होगी और पोजीशन चेंज कैसे होगी जब हम अपने लिम्स को मूव करेंगे जब हमने पैरों को यूज़ करेंगे पैरों को यूज़ करते हुए हम पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जा सकते हैं सो so, हमने अपने पैरों को एज इन अंक्रोनाइज मैनर यूज़ किया एट अ स्पेसिफिक रिदम एक स्पेसिफिक रिदम एक मैनर में यूज़ किया साथ में तब हम जाके हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट आया और हम पॉइंट वन से पॉइंट टू तक लोकोमोट लोको मोशन कर सकते हैं ओके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम के साथ हमारी पोजिशन चेंज हो रही है अगर हम एट वन पी और वन ओ क्लाक अगर हम यहाँ पे हैं और दो मिनट बाद हमारी पोजीशन चेंज रहेगी पॉइंट टू पर वन बज के टू मिनट पर ओके सो टाइम के साथ हमारी जगह भी बदल रही है दैट इज़ नोन एज लोकोमोशन नाउ वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर वी आर चेंजिंग वी आर नॉट चेंजिंग आर पोजिशन हम अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं हम बस अपनी बॉडी के पार्ट्स जो है उनको मूव कर रहे हैं बट लोकोमोशन के अंदर क्या होता है हम अपनी जगह बदल रहे हैं हम अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं बॉडी के मूवमेंट के साथ साथ हम अपनी पोजिशन भी चेंज कर रहे हैं सो so, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं नाव दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन नाव द थर्ड पॉइंट इज़ मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर ओनली पॉसिबल इन एन ऑर्गैनिजम बिकॉज ऑफ द स्केट एंड मस्कुलर सिस्टम्स नाव दे आर वेरियस टाइप ऑफ सिस्टमेंट इन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं हर एक फंक्शन के हर मतलब फंक्शन के बेसिस पे हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम डिवाइड हो रखे होते हैं फॉर एग्जाम्पल यू ईट फूड आप खाना खाते हैं आपको खाने से एनर्जी मिलती है और दैन वो जो फूड है उसका वेस्ट आप एक्सक्रीट आउट कर देते हैं सो सिस्टम विच हैंडल्स ऑल दिस